Hi everyone, welcome to Fun Max. I wish you all happy Navratri. In this video, I want to share one animated story, that is Mahishasur Mardini. This is a mythological story. Kaun the Mahishasur? Ma Durga kaun thi? Kyun dono mein ladai hua tha? Ladai ka result kya tha? Through this story, I want to share the views. In this video, I also want to share the Bengalis cultural view, क्योंकि दुर्गा पूजा Bengalis का main festival होता है. Not only the Kolkata या West Bengal, पूरी world में जितने Bengalis होते हैं, ये festival बहुत धूमधाम से enjoy करते हैं. As a Bengali, I feel proud to celebrate दुर्गा पूजा. आमी बांगाली समस्त बंधुदेर, आमार चैनले समस्त दर्शक बंधुदेर जानाई प्रीति शुभेच्छा. भालो करे काटून, भालो भावे आनंद करून, सबाई के भालो राखून, भालो थाकून. इन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर जो महिषासुर राक्षस थे, माँ दुर्गा राक्षस को वध किया था. तो हमारे अभी कोरोना वायरस भी एक राक्षस की तरह ही हमारे लाइफ में रोल प्ले कर रहा है. तो माँ दुर्गा को सारे यही कामना करते हैं, प्रेयर करते हैं जो माँ दुर्गा सबकी अच्छाई करेंगे, सबको रक्षा करेंगे और कोरोना वायरस को बिल्कुल पूरी तरीके से टोटली रिमूव फ्रॉम आवर सोसाइटी. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड. डोंट स्किप दिस, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशंस फॉर फर्दर वीडियोस एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. थैंक यू. आदि काल में महिषासुर एक प्रबल दानव था. ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दिया था, आपको कोई भी आदमी किसी लड़ाई में आपको हरा नहीं सकता. आपके हाथ, मृत्यु तो एक नारी के हाथ में होगा, पर बहुत ज्यादा घमंडी थे महिषासुर. ये बात सुन के हंसे थे, ये कैसे संभव है, नारी मुझे खत्म करे? नारी के पास इतनी शक्ति होते भी है? तो इसीलिए वो सर्गलों को बहुत ज्यादा हंगामा फैला के रखा थे. सारे देवता बहुत डर रहे थे, जे कैसे जिए, हम कैसे जी सकते हैं उनके साथ, लड़ाई में हम जीत नहीं सकते. ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर जी सारे इकट्ठा होके सोचे थे सर्गलोक को कैसे बचाया जाए, किसके हाथ से, महिषासुर के हाथ से, ये राक्षस के हाथ से, ये दानव के हाथ से कैसे सर्गलोक को बचाया जाए. तो इसीलिए सारे देवता इकट्ठा होके एक शक्ति की आराधना करी थी. ये शक्ति कौन थे? ये शक्ति था माँ दुर्गा. माँ दुर्गा की सृष्टि हुआ था ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की कृपा से. ये नारी शक्ति की जन्म हुआ था. विष्णु जी ने माँ दुर्गा के हाथ में सारे अस्त्र प्रदान किए थे और इसी अस्त्र के एक था सुदर्शन चक्र, जिसका इस्तेमाल करके, त्रिशूल की इस्तेमाल करके, त्रिनयनी शक्ति की इस्तेमाल करके माँ दुर्गा ने लड़ाई किया था. किसके साथ? महिषासुर के साथ, क्योंकि माँ दुर्गा प्रबल नारी शक्ति थे. माँ दुर्गा के साथ लड़ाई में महिषासुर तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था, जो आप एक आदमी के हाथ में तो नहीं हारोगे, पर हो सकता है आप एक नारी के हाथ पे आपका पराजय होना पड़े. पराजित होने के डर से असुर जी सोचे, नारी मुझे कैसे हरा सकते, नारी के पास इतनी शक्ति होती थोड़ी है. पर हुआ था, माँ दुर्गा ने असुर को वध किया था. यही कहानी है महिषासुर वध. महिषासुर जो असुर जैसा प्रभावशाली दानव जैसा शक्तिमान, जिसको त्रिशूल से, सुदर्शन चक्र से पूरी खत्म हो गया था असुर का. माँ दुर्गा का नारी शक्ति और नारी शक्ति माँ दुर्गा का जन्म एक देवी के रूप से. इसीलिए रूप को नवरात्रि के हिसाब से कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर पे ये दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा माना जाता है.
ये मेन फेस्टिवल है बंगाली लोगों का। इस वीडियो में महिषासुर कैसे खत्म हुआ, माँ दुर्गा उनकी शक्ति की विस्तार करके कैसे महिषासुर को वध किया, यही वर्णन किया गया है। आखिरी में माँ दुर्गा देवी के रूप में जन्म लेके फिर यही माँ दुर्गा को सब जगह पे पूजा के हिसाब से माना जाता है। दुर्गा जी को सारे मानते हैं, स्पेशली इन कलकत्ता, बिकॉज दुर्गा पूजा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ बंगाल। दुर्गा पूजा के कल्चर अगर देखा जाए तो ढाक बजना, ढाकी लोग आके ढाक बजाता है, यूनिटी डांस होता है माँ के सामने, बहुत ज्यादा सारे एंजॉय करते हैं। ये रेड बॉर्डर, इस रेड बॉर्डर व्हाइट कलर की साड़ी पहन के ढाक बजा के डांस करके तरह तरह के म्यूजिक, खाना पीना, 5 दिन की ये उत्सव मनाया जाता है। पर अभी करोना वायरस भी एक राक्षस है, अगर माँ दुर्गा 10 हाथ के किसी हाथ पे इंजेक्शन, किसी हाथ पे स्टेटिस्टिक, सब कुछ को एक औजार की तरह इस्तेमाल करके अगर ये करोना वायरस जैसा राक्षस को वध कर सकते हैं जैसे उन्होंने महिषासुर को वध किया था, तो हमारे पृथ्वी भी बहुत अच्छी तरह रहने के लायक हो जाएगा। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा, थैंक यू।